मीठी मम्मा हमारी, मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन, आ जाओ न मम्मा कहा हो तुम। ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರನೇ ಭಗವಂತನೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಬ್ ಸಹಜ ತುಮ್ ಮೇರೆ ಸೆ ಆಕರ್ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ಪರಂತು ಕೈ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಭೀ ಸಾಕಾರ್ ಮೇ ಪ್ರಭು ಪಿತಾ ಕೋ ಪಹಚಾನ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಈ ಜ್ಞಾನ ಭೀ ಉಂಟು ನಂಬಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಭಕ್ತಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು. साकार प्रभु पिता को जानने वाली ज्ञानी बच्ची, मम्मा बग्गे हेल्तिदारे, प्रभु पिता को जानने वाली साकार दली बंदिदारे अंत तिळ्कोंडिरो मगळु ज्ञानी बच्ची सर्व दैवी गुणों की बसते थे, कट करते थे सब्जियां, तो मम्मा उससे निकाल के क्या करती थी, तो उसमें जो वेस्ट और उसमें बहुत कुछ रहा हुआ था तो वो उसको सफल करती. मम्मा ने धन से सेवा नहीं किया है, लेकिन यज्ञ का इकोनॉमी करने का अभी जो भी सिस्टम है वो तब से स्टार्ट किया, क्योंकि वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, तो जो भी सिस्टम है वो तब से ही स्टार्ट हुआ. मम्मा उसमें प्रैक्टिकल योगदान था बाबा के साथ. और हमारी दादी ने एक बार कहा, मम्मा मम्मा कैसी बनी, बाबा ने मम्मा को कैसे टाइटल दिया, इजिप्ट से मम्मी आने वाली है. और बाबा बाबा ने मम्मा की तरफ इशारा किया और फिर सभी को बोला, क्या हाँ मम्मा मम्मा करके बोलो, तो सभी ने ओ मेरी मम्मा ऐसे बोला, तो फिर मम्मा ने क्या कहा, ओ मेरे बच्चे, है ना. तो ऐसे बाबा ने सुबह 2 बजे उठते थे और विशेषकर परमधाम का मेडिटेशन, बाबा के साथ बातचीत करना, सुबह छत में जाकर 2 बजे रोज ऐसे जाते थे. और जब चलते थे तो आवाज़ नहीं आता था, इवन जब स्लीपर्स, बाबा का भी ऐसा ही है, बाबा जब चलते थे जो चलते हैं ना, तो आप देख लीजिए आवाज़ आता है क्या. मम्मा का भी ऐसा ही था, आवाज़ नहीं, क्योंकि धरती के ऊपर वेट नहीं पड़ना है. जयती जयती भगवती